जय हिंद ऑल ऑफ यू। मेरे यूट्यूब चैनल राज पुलिस शिक्षा में आपका स्वागत है तथा मैं भारतीय दंड संहिता 1860 अध्याय 4, इसमें दे रखा है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, उसके बारे में पीपीटी है धारा 96 से लेकर धारा 99 तक। स्वयं की प्रतिरक्षा, किसी दूसरे की प्रतिरक्षा, स्वयं की संपत्ति की प्रतिरक्षा या किसी दूसरे की प्रतिरक्षा का अधिकार, अपने बचाव के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं और दूसरे के बचाव के लिए भी वही रूल्स लागू है। धारा 96 IPC कह रही है कि कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। यदि कोई हमलावर द्वारा हमला किया जाता है और ऐसी आशंका है कि इससे मेरी मृत्यु कारित होगी तो अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, स्वयं के लिए ही नहीं किसी दूसरे के लिए भी। धारा 96 सेक्शन 96 IPC प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई बातें, कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में प्रयोग की जाती है। धारा 97 IPC सेक्शन 97 IPC धारा 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि नंबर 1 है मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करें। दूसरा है किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्ती या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है या उसे करने का प्रयत्न है, अपनी या अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम या स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करें। धारा 98 IPC सेक्शन 98 IPC ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जो विक्रचित आदि हो। जब कोई कार्य जो अन्यथा कोई अपराध होता उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के बालकपन, समझ की परिपक्वता के अभाव या चित्त विकृति या मत्ता के कारण या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है, तब हर व्यक्ति उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार रखता है जो वह उस कार्य के वैसा अपराध होने की दशा में रखता है। धारा 98 ये बताती है कि जो सामान्य अपवाद हमारे दे रखे हैं कि धारा 82 बताता है कि 7 वर्ष से कम उम्र के बालक द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, फिर उसके बाद में 84 बताता है कि अनसाउंड माइंड विकृचित व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, फिर धारा 85 में बताया गया है कि नशे की हालत में किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। अगर ये तीनों व्यक्ति कोई ऐसे हथियार लेकर या किसी के पास रिवॉल्वर, बच्चे को रिवॉल्वर किसी ने दे दी हाथ में और वो चला रहा है, उससे कोई किसी की डेथ होने की संभावना है, या विकृचित है उसने कोई चाकू या कोई तलवार ले ली और वो चला रहा है, उसको ये पता नहीं, ज्ञान तो है नहीं इन लोगों को, लेकिन वो चला रहा है और उससे किसी को भी चोट लग सकती है, आशंका है कोई किसी की डेथ भी हो सकती है, और 85 नशे की हालत में है और तमंचा लेके डिस्को कर रहा है या फिर इधर उधर चला रहा है, फायरिंग कर रहा है, इससे किसी की भी डेथ हो सकती है, तो उस चीज़ का बचाव के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। आपको यदि इन तीनों से खतरा लगे और मृत्यु की आशंका है तो आप उस वक्त अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार
धारा 99 आईपीसी सेक्शन 99 आईपीसी, कार्य जिसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। नंबर वन है, सद्भाव पूर्वक यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या ऐसा प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वदा न्यायनुमत ना भी हो। इसमें बताया गया है कि लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य सद्भाव पूर्वक आदेशानुसार है और इससे आपकी मृत्यु या घोर उपति नहीं होगी, तो उसे अन्य को दूसरे को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, ये न्यायनुमत न भी हो और वह कार्य विधि के अनुसार कर रहा है, सद्भाव पूर्वक कर रहा है। यदि कोई कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपति की आशंका युक्तियुक्त रूप से कारित नहीं होती, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या ऐसा प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार है या सर्वथा न्यायनुमत न भी हो। इसमें दूसरे में होता है, यदि कोई कार्य सद्भावना पूर्वक किसी लोक सेवक द्वारा किया जा रहा है और किसी अन्य व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपत्ति की आशंका युक्तियुक्त रूप से नहीं है, तो उसे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि वो लोक सेवक है और निर्देशों के अनुसार कार्य कर रहा है और उससे तुम्हें मृत्यु या घोर उपत्ति की हानि नहीं होगी। तब अन्य व्यक्ति को अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है लोक सेवक से। पॉइंट तीसरा है, उन दशाओं में जिनमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। नंबर चौथा है, इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहानि से अधिक का नहीं है जितनी प्रतीक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। पॉइंट थर्ड कह रहा है कि यदि किसी को कोई चोट पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, उसे लग रहा है कि मुझे चोट पहुंचा रहा है और हानि पहुंचा रहा है, लेकिन उसके पास समय है, वो पुलिस के पास जा सकता है या किसी के सहायता ले सकता है, तब उस व्यक्ति को अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। और अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक या उतना ही है जितना कि वो हमें चोट पहुंचा रहा है, उससे ज्यादा का नहीं है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। यदि समझ में आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने नियर डियर को शेयर करें।